Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव, आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक है और विधानसभा चुनाव को लेकर सारे जो कार्यकर्ता हैं और जो भी कैंडिडेट जहां से भी खड़े हुए हैं वो अपने मैदान में उतर गए हैं और मैदान में उतरने के बाद लगातार जो तरीके से जो प्रचार का जरिया होता है उसको पूरा इम्प्लीमेंट कर लोगों के पास पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। कई नेताओं का विरोध हो रहा है तो कई नेताओं की किसी भी घर में एंट्री नहीं हो रही है। इस प्रकार की समस्याएं कई सारे नेताओं के साथ हो रही है और खास करके भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के नेताओं के साथ हो रही है। ये क्यों हो रहा है ये बखूबी जानते हैं, क्योंकि गांव का और उस जवार का डेवलपमेंट नहीं होगा जिसको लेकर लोग जो है उनको लाठी डंडे लेकर दौड़ाते भी नजर आ रहे हैं और ऐसे वीडियोज आप सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा देखते नजर भी आए होंगे। लेकिन आजकल आज जो मैं डिस्कस करने वाला हूं, बेसिकली वो डिस्कस करने वाला हूं जिसमें कि बिहार का विधानसभा चुनाव है, बिहार का कोई लोकल नेता ही अपने क्षेत्र का नेतृत्व कर सकता है और अपने बिहार को भली भांति संभल सकता है और भली भांति समझ सकता है। जिस तरीके से अगर हम बात करते हैं कि अब हम परिवार में रहते हैं तो परिवार में जब रहते हैं तो परिवार का जो मुखिया होता है वो सब पर नजरें बनाया होता है और सबकी कमियों और सबकी बड़ाइयों को लोगों के बीच पेश करता है, यानी कि परिवार वालों के बीच पेश करता है कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें वैसा करना चाहिए, तुम्हारी यहाँ गलती है तो यहाँ पर सुधारना चाहिए। और वो जो मुखिया होता है वो काफी ज्यादा सर्वोपरि होता है और वैसे ही हमारे देश के जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें वैसे लोगों को चुना जाता है जो अपने क्षेत्र का, जो अपने गाँव का, जो अपने ब्लॉक का, जो अपने प्रखंड का, जो अपने पंचायत का और जो अपने राज्य का और जो अपने जिला का बढ़िया से ब्यौरा दे सके और पूरी की पूरी जो भी की मदद होती है गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, दबे हुए कुचले हुए लोगों के लिए, किसी भी प्रकार की अव्यवस्था होती है तो वहां पर जाकर शामिल होकर व्यवस्था को सही तरीके से संचालित करने का जो जरिया होता है वो हमारे देश के विधायक होते हैं, नेता होते हैं, मंत्री होते हैं, एमपी होते हैं और भी जो भी जो जनता के द्वारा पदाधिकारी चुने जाते हैं वो कहीं ना कहीं उन पर नजर रखते हैं। लेकिन एक बात है, बिहार में अगर हम आरजेडी की बात छोड़ दें या फिर जनता दल यूनाइटेड की बात छोड़ दें या फिर चिराग पासवान की पार्टी की बात छोड़ दें, यानी कि एलजेपी की बात छोड़ दें, जनता दल यूनाइटेड की बात कर दें या फिर अगर हम बात करें तो आरजेडी की बात छोड़ दें, तो इतने ये जो पार्टियां हैं उन पार्टियों में कोई भी बाहर का नेता प्रचार नहीं कर रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात इसलिए है क्योंकि जनता दल यूनाइटेड जो है वो कहीं ना कहीं बिहार लेवल की पार्टी है और बिहार लेवल की पार्टी है तो बिहार में जो बिहार के जो सांसद उनके जगह हैं और जो बिहार के नेता हैं और खुद जो नीतीश कुमार हैं वो कहीं ना कहीं बिहार में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है कि उनके नेता बिहार की राजनीति को समझते होंगे और बिहार के मुद्दों को समझते होंगे और बिहार में क्या दिक्कतें हैं, क्या परेशानियां हैं, क्या सिचुएशन है उसको भी भली भांति समझते होंगे। वही अगर हम बात करें तो एलजेपी भी खुद बिहार की पार्टी है और बिहार में भी छोटी पार्टी है। अगर हम आरजेडी और बीजेपी और जेडीयू से कंपेयर करें तो एलजेपी बिहार में छोटी पार्टी है तो ऑब्वियसली उनके भी बाहर के नेता तो हो नहीं सकते उतने बड़े दिग्गज जो जाकर वहां पर हल्का मचा दें, तो उनके भी नेता नहीं है जो कि बिहार में जाएं और वहां की स्थिति को स्पष्ट करें। वहीं अगर हम आरजेडी की बात कर लें तो आरजेडी में भी आप देख सकते हैं कि आरजेडी का भी कोई नेता नहीं है जो कि बाहर से वहां पर बुलाया गया है और वहां पर प्रचार करने के लिए वहां पर उनको भेजा जाए, ऐसा नहीं है। लेकिन एक बात अगर हम सामने रखें तो वो है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी आप सभी को पता है कि जब चुनाव होता है तो वैसा गेम खेल जाती है कि लोगों को भावनाएं के साथ सीधा कनेक्शन पकड़ लेती है और वही भावनाएं जो लोगों की होती है उनको धोखा दे जाती है और फिर 5 साल जो होता है वो चरमरा कर, गलिया कर और ये लाती डंडा जो चल रहा है वही नतीजा है जिसको सुनकर वो वोट कर देते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी बहुत चालाक पार्टी है और जब भी कहीं चुनाव होता है और उनको नजर आता है कि हम जो है वहां पर वास्तविक मुद्दे पर चुनाव नहीं जीत सकते तो वहां पर अपने ऐसे लोगों को उतारती है कि लोग भावुकता के साथ उनके साथ आ जाएं, उनको मत दें और फिर से वहां पर पार्टी जीत जाए। अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में भारतीय जनता पार्टी तो है ही, उनके नेता भी हैं, उनके मंत्री भी हैं, उनके सांसद भी हैं, उनके एमएलए भी हैं, लेकिन बिहार के अलावा
बाहर के लोगों को स्टार प्रचारकों में लंबी बड़ी जो फहरिस्त जो सूची है वो दी गई है। तो इसी से आप अंदाजा लगाइए कि भारतीय जनता पार्टी के बिहार के नेता कितने नकारे हैं कि बिहार में जो काम करते हैं उस मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़ सकते और उनकी जरूरत है बाहर के लोगों की। जी हाँ, अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी जाएंगे वहां पर प्रचार करने के लिए। सोचिए कि एक राज्य का चुनाव हो रहा है और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जो अपने आप को 56 इंच का सीना बताते हैं और हमारे देश में कितना विकास किए हैं बखूबी आप ये जानते हैं, और वो अब ढिढोरा पीटने के लिए बिहार में जाने वाले हैं। वही अगर हम बात करें तो जेपी नड्डा जी जा रहे हैं जो कि खुद बाहर के हैं, अमित शाह की बात करें तो खुद बाहर के हैं, राजनाथ सिंह की बात करें तो खुद बाहर के हैं, मनोज तिवारी बिहार के हैं लेकिन राजनीति कहीं और से करते हैं, तो बिहार की भावनाओं को वो क्या समझ सकते हैं। वहीं अगर हम बात कर लें तो स्टार प्रचारकों की सूची में कई सारे बड़े अभिनेताओं का भी नाम रखा गया है, तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि वो अभिनेता क्या करेंगे बिहार में जाकर जहां पर ना रोजगार है, ना शिक्षा है, ना एजुकेशन है, ना डेवलपमेंट है, ना कारखाना है, ना नौकरी है, ये सब मुद्दे नहीं है। तो देश के लोगों को जो बड़े बड़े जो अभिनेता है, जो बड़े बड़े स्टार प्रचारक है, उनको भेजकर बीजेपी क्या दिखाना चाहती है। मुझे ये कहना था कि बीजेपी वास्तविक मुद्दों पर चुनाव लड़े और भारतीय जनता पार्टी के जो बिहार में नेता है उनको खुलकर चुनाव लड़ने दे, तब जाकर यह समझ में आएगा कि आपने कितना विकास किया है। और मैं किसी पार्टी को टारगेट नहीं कर रहा हूं, टारगेट इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि भारतीय जनता ही पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो बाहर से अपने बड़े बड़े लोगों को भेजती है ताकि वहां पर इकट्ठा हो, क्राउड जमा हो, यहां पर कुछ ऐसी बातें बोले जाए वहां के वोटर लुभा जाएं और फिर 5 साल उनको गालियां सुनाते रहें। लेकिन इसमें अगर हम बात करें तो आरजेडी के साथ जो अलायंस है वो भी कम नहीं है। जी हां, वो जो पार्टी है वो आपकी अगर हम बात करें तो उनकी जो पार्टी है वो कहीं ना कहीं सीपीआई है। सीपीआई जो पार्टी है वो भी बाहर के लोगों को बुला रही है। सीपीएमएल जो है भाकपा माले है ये भी बाहरी लोगों को बुला रही है। और आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आरजेडी भी, मतलब आरजेडी का जो अलायंस है वो भी शामिल है लेकिन कम है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व तो बड़ा है ना, तो बड़ा है तो बड़ा दिखना चाहिए भाई, लोगों को दिखना चाहिए, चमक दिखना चाहिए, ग्लैमरस दिखना चाहिए, लोगों को बड़े बड़े स्टार दिखने चाहिए क्योंकि सारे मुद्दों को वहीं तो बुला पाएंगे, तभी तो भीड़ इकट्ठा होगी और उनको वोट करेंगे। वहीं अगर हम बात करें तो बीजेपी पहले से ही ये गेम खेलना शुरू कर दी है, जिस तरीके से तेजस्वी सूर्या को वहां पर भेजा युवा चेहरा के तौर पर। इसके बाद से अगर हम बात करें तो देवेंद्र फडणवीस को बिहार का प्रभारी बनाकर भेज दिया, जो कि एक महाराष्ट्र की राजनीति करते हैं और बिहार से लोग बिहारियों को भगाते हैं, महाराष्ट्र से बिहारियों को भगाते हैं और वहां के लोगों को वहां पर पदाधिकारी बना दिए। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार में जो विकास है वो कितना तगड़ा है कि बिहार में चुनाव जीतने के लिए बड़े बड़े स्टार प्रचारकों की सूची जारी की गई है और उसमें योगी आदित्यनाथ को भेजा जा रहा है, उसमें झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री जो है उनके रघुवर दास जी हैं उनको भेजा जा रहा है। तो इसी के माध्यम से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार में भाजपा किस जोश बल के साथ जो है लगातार लग रही है ताकि वहां पर चुनाव जीता जाए और जो वास्तविक मुद्दे है उसको भटका कर, किसी के बारे में कुछ भी बोलकर वहां पर मुद्दे को भटका दिया जाए और बिहार में विधानसभा चुनाव जीत लिया जाए। क्योंकि बिहार में नहीं विकास है, बिहार में नौकरी नहीं है, बिहार में शिक्षा नहीं है, बिहार में एजुकेशन नहीं है, बिहार में डेवलपमेंट नहीं है, बिहार में रोजगार नहीं है। और कोरोना काल के दौरान जिस तरीके से मेडिकल की स्थिति थी आप ये बखूबी जानते होंगे, डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी बिहार में ये स्थिति है, तो किस मुंह से भारतीय जनता पार्टी के जो बिहार के लोकल नेता हैं वो वोट मांगे और उसी मुद्दे को भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी जो है बड़े बड़े लोगों को बिहार में भेज रही है। लेकिन आप मताधिकार का प्रयोग करेंगे, आपको मत देना है, आपके पक्ष में है कि आप किसको वोट करें। मैं आपको एक बात बताया हूं कि आखिरकार किस तरीके से इन पार्टियों से परे भारतीय जनता पार्टी अपने स्टार प्रचारकों को बिहार में भेजकर लुभाने की कोशिश कर रही है। आपके इस पर क्या विचार है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर जुड़िए। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर जाकर पिंटू सिंह यादव सर्च करके जरूर जुड़े, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूं, वहां से जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।